जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन। होकर तब से विमुख बटोही, पथ पर समल समल बढ़ता है। जीवन भर अविचल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना। जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हस कण कण गलता है। जीवन भर अविचल चलता है। फल और आस निराशा, इसकी ओर कहा जिज्ञासा। बिहड़ता मेरा बनाता, राही मचल मचल चलता है। जीवन भर अविचल चलता है। पतझर के झंझावातों में, जग के घातों प्रतिघातों में, सुरभि लुटाता सुमन सिहरता। निर्जनता में भी खिलता है। जीवन भर अविचल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्या जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग के बचे हुए अल्पकाल में फास्ट गति से दिव्यता के चरम शिखर को छूने का जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सचिन भाई जी हम सबके बीच में हैं। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने वर्ष 2002 में MBBS की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 2003 में नवंबर मास में डायमंड हॉल में बाप दादा की मीठी दृष्टि और बोली से अलौकिक जन्म प्राप्त किया और जन्मते ही तीव्र पुरुषार्थी की कैटेगरी में पुरुषार्थ करना आरंभ कर दिया। उसके बाद तो आपने अपनी लौकिक पढ़ाई भी पढ़ी, MD किया, कई फेलोशिप प्रोग्राम्स किए, डिप्लोमास लिए, कई सारे कोर्सेस किए मेडिकल फील्ड के अंतर्गत और 10 अक्टूबर 2010 को आप पहुंच गए
ग्लोबल हॉस्पिटल और ज्वाइन किया वहाँ पर, और वर्तमान में आप उस हॉस्पिटल के अंदर हेड ऑफ द मेडिसिन है, डिपार्टमेंट के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं, कंसल्टेटिव फिजिशियन है और साथ साथ इंटेंसिविस्ट हैं। और मधुबन में रोज अमृत वेले के बाद इसी ओम शांति भवन के नीचे जो कॉन्फ्रेंस हॉल का रिसेप्शन है, कॉन्फ्रेंस ऑफिस के बाहर, वहाँ मधुबन निवास सेवाधारियों के साथ आते हैं और मुरली पर मनन चिंतन करते हैं, मुरली के गहन राजों को समझते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जो कुछ भी गतिविधियाँ करते हैं पूरे विश्व भर तक पहुंचती है। और उसी आकर्षण में सभी चाहते हैं हमें डॉक्टर सचिन भाई की एक क्लास का लाभ मिले, जब हम भट्टी करने आए हैं रूबरू मिलने की सबको इच्छा होती है। तो आज हमारे रूबरू बैठे हैं, आज हम आपसे सुनेंगे दिव्य ध्येय के पथ पर चलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। ओम शांति। किसी चर्च में एक नया नया पादरी नियुक्त हुआ और उसे अगले दिन उसके जीवन का पहला स्पीच लेक्चर देना था। उसने आज तक कभी भी किसी के सामने कुछ नहीं बोला था, इसलिए अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था, पर उसने सोच लिया कि रात भर प्रैक्टिस करूंगा, जो भाषण देना है उसको पूरा याद कर लूंगा। बाइबल का उसने एक वाक्य चुना और उसने रात भर उसके याद किया। वो वाक्य था, बिहोल्ड आई कम, देखो मैं आ गया हूं। ईसा कहता है, ईसा मसीह, बिहोल्ड आई कम। तो उस पादरी ने अपने भाषण के लिए यहां से चालू होने वाला एक पैराग्राफ याद किया, और याद करने के इस चक्कर में पूरी रात निकल गई। वो बार बार याद करता रहा, बिहोल्ड आई कम, बिहोल्ड आई कम, बिहोल्ड आई कम। उसका पहला ही भाषण था और पर नींद नहीं हो पाई और सुबह सुबह उसे नींद आने लगी, परंतु नियुक्त समय पर वो चर्च पहुंच गया और बोलने के लिए खड़ा हो गया। और वो जो पोडियम था मंच पर, वहां जाकर उसने कहा, बिहोल्ड आई कम, देखो मैं आ गया हूं। क्योंकि रात भर नींद नहीं हुई इसलिए आगे का सब भूल गया उसे। तो उसने सोचा क्या करूं जो याद आए, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी वाक्य को फिर से दोहराऊं। उसने फिर कहा, बिहोल्ड आई कम, फिर भी याद नहीं आया। सोचा तीसरी बार बोलता हूं, तीसरी बार बोलने गया, बिहोल्ड आई कम, और तब तक वो पोडियम हिलने लगा और वो और उसे थोड़ी नींद सी भी आने लगी और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उस पोडियम के साथ सामने एक बूढ़ी महिला बैठी थी प्रवचन सुनने, वो उसके ऊपर जा गिरता है। उस महिला से वो कहता है, आई एम सॉरी। वो महिला कहती, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि आपने तीन बार चेतावनी दी थी, बिहोल्ड आई कम, मैं ही नहीं समझ पाई। एक बेहोशी जो निरंतर घेरे रहती है चेतना को, और जब जब बेहोशी रहती है तब तक अपघात होते हैं। सारा अध्यात्म केवल दो ही शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, होश और बेहोश। जब हम होश में हैं
तब कोई गलती नहीं, और जब हम बेहोश में हैं, बेहोशी में हैं, तो गलतियां हैं। होश अर्थात आत्माभिमान, बेहोश अर्थात देहभान। पाप और पुण्य की इससे बड़ी और कोई परिभाषा नहीं हो सकती कि जो कुछ होश में किया जाए, संपूर्ण होश में, संपूर्ण जागरण की अवस्था में, वो सब कुछ पुण्य है। और जो कुछ बेहोशी में किया जाए, वो क्या कर्म किया जा रहा है, इसका महत्व कम है। चेतना की स्थिति क्या है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि सभी देशों की फिलॉसफीज हम स्टडी करें, तो जिसे हम पाप समझते हैं, किसी दूसरे देश के लोग उसे पुण्य मानते हैं। हमारे लिए कोई किसी की हत्या करना पाप हो सकता है, पर इस संसार में ऐसे कुछ आदिवासी कबीले भी है, वो छुप के बैठे रहते हैं, और जो गाड़ी जाएगी उसको तीर से मारते हैं। उनके लिए वो खेल है, देवी को भेंट चढ़ाते हैं। कर्म परिधि पर है। अगर एक चक्र बनाया जाए और केंद्र पर चेतना है, चेतना यदि होश में है, पुण्य कर्म परिणाम होगा। ये करूं कि ये करूं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न ही नहीं है। डूज और डोंट्स का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है होश का, प्रश्न है चेतना कितनी जागृत अवस्था में है। और जब जब हम बेहोश हो जाते हैं, सब भूल जाता है। परमात्मा महावाक्य है, सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। स्मृति है तो सब ठीक, विस्मृति जिस घड़ी हो गई, उसी घड़ी पाप विकर्म दुष्कर्म होता है। कोई कितना भी सोचे सुबह मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, कितना भी सोचता है, पर अचानक वो हो जाता है जो उसे करना नहीं था, क्योंकि वो कार्य कर्मों पर कर रहा है। कार्य कर्मों पर नहीं करना है, सेंटर पर करना है, परिधि पर नहीं, सरकमफरेंस पर नहीं, पॉइंट स्वयं को जागृत रखना। तो आप सब जो इस भट्टी में आए हैं, एक ही लक्ष्य है, जो ज्योति बुझ गई है उसे फिर से जगाना, जो स्मृतियां विस्मृतियां हो गई है उन्हें फिर से जागरण जागृत करना। किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं, किस लिए कुमारी जीवन अपनाया था, किस लिए कुमारी जीवन अपनाया था, किस लिए कुमार बने थे, किस लिए कुमारी बने थे, किस लिए इस यज्ञ में आए थे, लक्ष्य क्या था। लक्ष्य विस्मृत हो गया है, इसलिए सारी गड़बड़ है। और जैसे हर भट्टी को कहा जाता है, बताया जाता है, आप सब कर ही रहे होंगे, फिर भी एक बार फिर से याद दिला रहे हैं। मधुबन में आने वाली भट्टियों में जो लोग हैं, जो ब्राह्मण आत्मा है, उनके तीन नियम हैं। अगर इन तीन नियमों का पालन किया जाए तो ये भट्टी जीवन परिवर्तन की भट्टी बन जाएगी, टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। सबसे पहला नियम, मोबाइल स्विच्ड ऑफ। अभी भी अगर किसी का मोबाइल चालू है, जेब में, बंद, इलेक्ट्रॉनिक सभी डिस्टर्बेंस से मुक्त, किसी से कोई संपर्क नहीं। दूसरा, मौन, एक दूसरे से बात करते हुए तपस्या नहीं की जा सकती, पूर्ण मौन, जितना हो सके डाउन कास्ट आइज, आंखों को नीचे ही रखो, चलते फिरते, क्योंकि ऐसा अवसर ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। सेवाएं तो उधर कर ही रहे, यहां सेवा करने नहीं आए, यहां स्व उन्नति के लिए आए, चुप हो जाने के लिए आए हैं। एब्सोल्यूट साइलेंस। और तीसरा नियम, इस कैंपस से बाहर कहीं नहीं जाना, कैद हो जाना। ओम शांति भवन, मेडिटेशन हॉल, चार धाम, डाइनिंग, अपना कमरा, बस।
कट ऑफ हो जाना है, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट संसार से, संसार के लोगों से, एक दूसरे से। ऐसे हो जाओ कि जैसे ये केवल और केवल मेरे लिए है। जितना गहरा मौन होगा उतनी गहरी अनुभूतियां होगी। यदि मौन ही नहीं तो कोई अनुभव नहीं होगा। फिर यहां आना केवल एक मनोरंजन रह जाएगा। यहां आना, आए, खाया पिया, थोड़ी बहुत क्लासेस सुनी, बैठे और गए सेवा केंद्र पर, और वहां जाकर अनुभव सुनाया कि हमने बहुत अच्छा अनुभव किया। ये कुछ समय चलेगा, 10-15 दिन, उसके बाद सेम जैसे थे। ये भट्टी का लक्ष्य है बड़ा गहरा ऑपरेशन करना है। इतना कुछ भरा है आत्मा में, हमें ही नहीं पता क्या क्या है। आवाज में अंदर नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए जिन्होंने किया नहीं होगा वो आपसे करना चालू करें। और जैसा हर भट्टी में हम बताते हैं, आपकी वास्तविक भट्टी तो वहां जाने के बाद चालू होगी, ये केवल तैयारी है। 3 दिन 4 दिन वापस कब पहुंचेंगे? अपने घर कब पहुंच रहे हैं? लौकिक घर, सेवा केंद्र। 26 को पहुंचेंगे तो 27 तारीख से भट्टी चालू होगी, 21 डेज, ठीक है। और 27 बड़ा अच्छा दिन है। कैसी भट्टी करनी है उसकी ये तैयारी है, क्योंकि यहां जो अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है, यहां जो शांति का अनुभव हो रहा है, यहां जो प्रभु प्रेम का अनुभव हो रहा है, वो मधुबन का दिया हुआ अनुभव है। यहां से जाते ही वो हट जाएगा, फिर वहां के वाइब्रेशंस, वहां के संस्कार फिर से जागृत हो जाएंगे, और ये यहां आना केवल यादगार रह जाएगी। इसलिए आज से ही तैयारी करनी है मन की। और भट्टी किस पर करनी है, कौन सा टॉपिक होगा, हर एक का अपना अपना अलग होगा। ये सार्वजनिक भट्टी है। यहां से जाने के बाद 27 तारीख से आपकी जो भट्टी चालू होगी, जहां आप रहते हो, चाहे सेवा केंद्र, घर या और कोई स्थान, वो व्यक्तिगत होगी। यहां पर स्पीकर्स अलग अलग है, वहां पर स्पीकर्स आप स्वयं होंगे। ये प्रत्यक्ष है, प्रकट है, वो गुप्त होगी। इसके अलग अलग टॉपिक्स है, उसके भी अलग अलग टॉपिक्स होंगे, पर वो टॉपिक आपको खुद डिसाइड करना है। या फिर मधुबन में आए हैं तो मधुबन में अमृत वेला वो टॉपिक दिए जाएंगे। किसी का अमृत वेला नहीं हो रहा है कई समय से, उसके लिए 21 दिन केवल अमृत वेले पर भट्टी करो। अमृत वेले की किताब है, दिन रात वह किताब पढ़ो जब तक वो पूरी याद ना हो जाए। किसी का ब्रह्मचर्य निरंतर डोलते रहता है, आज स्थिर है कर अस्थिर, वो केवल ब्रह्मचर्य पर भट्टी करेंगे 21 दिन। कहते हैं आदत बनने के लिए 21 दिन चाहिए, जीवन बनने के लिए 90 दिन चाहिए। इट टेक्स 30 डेज टू फॉर्म हैबिट एंड 90 डेज टू फॉर्म लाइफस्टाइल। तो 21 दिन का व्रत लेके जाना है। किसी के संबंधों में कड़वाहट है, द्वंद चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर आपस में ही, उनको उस संबंध को ठीक करने के लिए भट्टी करनी है। और ये भट्टी अत्यंत गुप्त होगी। किसी की भोजन में आ सकती है, वो भोजन पर भट्टी करेंगे। किसी की दिनचर्या सेट अब तक नहीं हो पाई है, वो दिनचर्या पर भट्टी करेंगे। किसी के ऑफिस, जॉब, करियर, बिजनेस सेंटर पर जब तक है तब तक ठीक है, घर पर ठीक है, जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश करते हलचल चालू हो जाती है। क्यों होती है वो हलचल? उस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। इसलिए ये समझो कि यहां आना ये तो केवल एक पूर्व तैयारी है उस भट्टी की, जो यहां से जाने के बाद करनी है। और वो जो टॉपिक्स होंगे वो मौन में प्राप्त होंगे। टाइम सुबह 2 से 5 के बीच। जल्दी सो जाओ, जितना हो सके भोजन हल्का रात्रि का, ताकि 1:30-2 बजे उठ सको।
क्योंकि मधुबन का ऐसा वायुमंडल और कहाँ मिलेगा। तपस्वियों की तपोभूमि है ये, ब्रह्मा की कर्म भूमि और कर्मातीत भूमि है ये, दादियों के चरण कमल इस धरती पर पड़े हैं, यहां तपने के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं, तपना है। बाकी सब चीजें तो वहां पर भी की जा सकती है, परंतु यह अवसर मिला है, सभी सेवाओं से सभी फारिग है, किसी को यहां कोई सेवा नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। ये सब कुछ मिलते हुए भी यदि हम भोग और विलास में डूबे रहे तो काम अपूर्ण रह जाएगा, और काम बहुत बड़ा है, पता नहीं अंदर क्या क्या भरा है। ऊपर ऊपर से तो सफाई हो रही है विकारों की, पर विकार सबकॉन्शियस माइंड में है जिसकी हमें कोई खबर नहीं है, इतनी गहरी ईर्ष्या बैठी है, कोई घृणा है किसी आत्मा के प्रति। ऊपर से तो हमारे नारे हैं हम विश्व कल्याणकारी, परंतु जैसे ही कोई एक आत्मा सामने आ जाती है अचानक मन में हलचल होती है, अचानक किसी ने 10 साल 20 साल पहले अपमान किया था, कुछ कहा था, उसकी वो बात अब तक याद है। संडे की मुरली, जरा भी घृणा ना हो किसी के प्रति, विकार बहुत बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि पानी हमेशा हिल रहा है, शांत कर दो उसको। इस भट्टी का लक्ष्य रखो अनुभूति। ये क्लासेस बहुत सुन सकते हैं, ऑडियोज बहुत है अवेलेबल, बाढ़ आई है इंटरनेट पर क्लासेस की। यहां लक्ष्य रखना है अनुभूति, यहां लक्ष्य रखना है मौन, यहां लक्ष्य रखना है एकांत, स्थूल एकांत, सूक्ष्म मौन, स्थूल मौन, नो कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, क्योंकि अंदर जाना है, बहुत गहरा काम है। ऑपरेशन होता है तो रेड लाइट लगता है, नॉट अलाउड बाहर के लोग, ये भी एक ऑपरेशन थिएटर है, चीरा लगा रहे, पता नहीं क्या आएगा, मन पर चीरा लगा रहे, जन जन के विकार। छोटा सा बच्चा पालने में कितना निरागस लगता है, कितना निर्दोष दिखाई देता है, परंतु उसमें सब कुछ है, जन्म जन्म का किचड़ा भरा हुआ, वो धीरे धीरे प्रकट होता है। इसलिए ये 3 नियम, मोबाइल स्विच्ड ऑफ, जो प्रशासन में है और जिन्हें बहुत जरूरी है उनकी बात अलग, पर बाकी लोग बंद। ये काम उसी दिन करना है, और किया भी होगा कई ने जिस दिन आए थे। दूसरा, आपस में बातचीत बंद, नो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, भोजन करो तो मौन में, ध्यान दृष्टि भोजन की थाली में, कॉन्शियस ईटिंग धीरे धीरे याद में, चलो तो फरिश्ते जैसे। यहां के इंस्पेक्टर बनकर नहीं आए हैं, यहां क्या दोष है और कौन क्या करता है इससे कोई लेना देना नहीं, जो करने आए हो वही करके जाना है, माइंड योर ओन बिजनेस। और तीसरा, इससे मिलू उससे मिलू, यहां जाऊं वहां जाऊं, कोई व्यक्ति योग में बैठता है आधे घंटे के बाद उठता है, कौन उठाता है उसे? अंदर की बेचैनी, उसे और कोई नहीं उठाता, ना भूख उठाती है ना उसे कोई सेवा है, अंदर चित्त बेचैनी से भरा हुआ है, अभी भी यहां बैठे हैं पर अंदर बेचैनी है, जल्दी ये पूरा हो जाए और जाए यहां से, और जहां जाए वहां जाने के बाद वो पूरा हो जाए और फिर आगे आगे जाए। रेस्टलेसनेस, इसलिए कहा लिखा बहुत सुना बहुत, यहां केवल लिखने सुनने के लिए नहीं आए, अनुभूति। यहां अभी अभी बैठे बैठे ही चित्त को शांत कर दो। जो क्लासेस यहां सुन रहे हैं, बीच का जो मौन है, दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है उसमें बीच बीच में भीतर की यात्रा करनी है, क्योंकि काम बहुत बाकी है। ऊपर ऊपर से सब कुछ पता है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ज्ञान का जो हमें पता नहीं है, फिर मिसिंग क्या है? मिसिंग है अनुभूति। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, अविचल बढ़ता चल।
गीत है। देह हमारा बहुत ऊंचा है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। ये भटकन बहुत सूक्ष्म है। आज शाम, आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन, कल की रात, एक एक दिन और एक एक रात क्रांति का दिन हो और क्रांति की रात हो। चुप हो जाओ, एब्सोल्यूट साइलेंस, क्योंकि बहुत सारे काम करने बाकी है। विकारों की ऊपर ऊपर से सफाई कर दी है, पर भीतर बैठे अचानक उभर के आते हैं। 10 साल सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक काम का संकल्प कहां से आ गया? था इसीलिए आया। हम कहते ये तो था ही नहीं, आया कहां से? पता नहीं, अचानक ये बेचैनी कैसे हुई? कोई कुआ है, उसमें बकेट डालो, उसमें अगर पानी है ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा। पानी आया मतलब पानी था, और हम 10 साल से समझ रहे थे कुछ भी नहीं है उसमें। देह बहुत ऊंचा है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और वो जब विस्मृत हो जाता है, बेहोशी सी आ जाती है। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, ये है रूहानी बेहोशी। और ये मार्ग बड़ा ही कठिन मार्ग है। हम कहते हैं सहज राजयोग, सहज तो है परंतु कठिन भी है, क्योंकि संसार ही विकारी है, वायुमंडल ही विकारी है। तो आज के इस सत्र में ये जो पथ है, जो उस दिव्य लक्ष्य की ओर, ध्येय की ओर जाता है, उसकी ऐसी 8 प्रिंसिपल्स कहो या 8 सूत्र कहो, 8 सूत्र जो हमें अपने अंदर लेने हैं और इस पथ पर आगे बढ़ना है। और 8 प्रकार की बाधा है, वो कौन सी, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, इस मार्ग में अकेले आगे बढ़ना है, किसी के अभी इंतजार नहीं करना है, नो वेटिंग। महात्मा गांधी के जीवन कहानी में उन्होंने एक प्रसंग लिखा है, कोई युवक पूछता है कि मेरी जो पत्नी है वो ब्रह्मचर्य में नहीं रहना चाहती, पर मैं रहना चाहता हूं, मैं क्या करूं? पर वो है धार्मिक, क्या मैं उसका इंतजार करूं कि उसको भी अनुभूति हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, धर्म की गहराई को वो जाने, और फिर हम दोनों चले? महात्मा गांधी ने उत्तर दिया था, नो, नो वेटिंग, आगे निकल जाओ, किसी का इंतजार नहीं करना है, ना साथी का, ना सीनियर, ना जूनियर। ये यात्रा आंतरिक यात्रा है, बड़ी गहरी यात्रा है। कोई करे ना करे इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कोई क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं। ध्येय को देखते रहना, याद दिलाते रहना है खुद को। वहां कितनी मुरलियों में आता है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाके बैठ जाओ, वास्तव में जाके बैठना है कि मुझे ऐसा बनना है। दादी जानकी ने कभी बाबा से पूछा था, बाबा बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इंटेलेक्ट्स, और चर्चा के दरमियान प्रश्न आया कि सतोगुणी, सतोप्रधान बुद्धि किसे कहा जाता है? तो बाबा ने कहा था, इसका उत्तर मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कुछ दिनों के बाद। और कुछ दिनों के बाद दादी ऐसे ही, दादी तो भूल चुकी है, बाबा के पास पहुंचती है और कहती है, एक भाई जो है बाबा, वो बार बार गलती करता है। एक भाई है, उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है, उसको कई बार समझाया पर वो सुधरता ही नहीं। बाबा ने कहा, बस यही है, सतो प्रधान बुद्धि, अर्थात जो ना दूसरों के दोष देखे ना ही उनका वर्णन करे। हम कितना भी वर्णन करें, कितना भी शुभ भावनाओं से वर्णन करें, परंतु फिर भी हमारे मुख से निगेटिव ही निकल रहा है। हाँ, वो दूसरी बात है, यदि हम कोई निमित्त है वो अलग, परंतु अन्यथा ये व्यर्थ चर्चा की ओर हमें ले जाएगा। उसके प्रति करुणा, रहम, ये करुणा की बड़ी ऊंची अवस्था है, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा,
अनंत मैत्री, इन चार चीजों को बौद्धिज्म में ब्रह्म विहार कहा जाता है। बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, परंतु ब्रह्मा को मानता है। द हाइएस्ट ह्यूमन बीइंग ब्रह्मा को माना गया है बौद्ध धर्म में, और ब्रह्म विहार कहा गया है। ब्रह्म विहार अर्थात अनंत मैत्री, किसी से भी शत्रुता नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। अनंत करुणा, चाहे कितने कितने भी दोषों मुरलियों में आता है कोई, रावण की तरह भी हो, परंतु कौन सा भाव? करुणा का भाव, अनंत करुणा। कितने भी किसी में दोष रहने दो, हम में भी तो दोष है। हम देखते हैं किसी एक व्यक्ति में एक दोष है और वो ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक कोशिश भी नहीं कर रहा है, और हमें बड़ी घृणा है, पर हम ये भी तो भूल रहे हैं कि हम में भी तो ऐसा कोई दूसरे प्रकार का दोष है। हम भी कितने सालों से उस संस्कार पर काम कर रहे हैं, पर वो मेरा भी तो ठीक नहीं हो रहा है। हमें किसने अधिकार दिया है उसके दोषों की चर्चा करने का? जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड, बाइबल में वाक्य है, तुम जज नहीं करो किसी को भी, क्योंकि डायरेक्टर बैठा है, उसे संपूर्ण ड्रामा पता है। हमारा ट्यूब्यूलर विजन है, बस हम इतना ही देख पा रहे हैं जो सामने दिख रहा है बस। तो बाबा दादी से कहते हैं बस शुभ भाव रखो, चर्चा नहीं करो उसकी, छोड़ दो। तो इस मार्ग में सबसे पहला नियम, किसी के लिए भी वेट नहीं करना है, किसी का भी इंतजार नहीं करना है, आगे बढ़ते चलो। अकेले हो जाने की यात्रा है ये यात्रा है अकेले की तरफ, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। हम सोचे ये भी मेरा साथी बन जाए पुरुषार्थ में, वो भी बन जाए, मैं उसके लिए वेट करूं, इसके लिए वेट करूं, आप निकल पड़ो, सब पीछे पीछे आ जाएंगे जिसको आना है। दूसरा नियम उस दिव्य देह तक पहुंचने के लिए, नो बेगिंग, भीख मांगना नहीं है। और क्या मांगते हैं हम? स्थूल वस्तुएं नहीं मांगेंगे। हर आत्मा को प्यास है प्रेम की, प्रेम मांगते हैं, सहानुभूति मांगते हैं, मुझे प्रेम करे। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कई बार पेशेंट दुखी इसलिए है कि मैं कभी बीमारी नहीं पड़ता, बाकी सब लोग बीमार पड़ते, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, हम भी बीमार पड़े, हमें भी कुछ हो जाए, और जब बीमार पड़ते तो हमें भी दूसरे लोग देखने आए, कभी कुछ होता ही नहीं, इसलिए आते रहते, हमें भी सलाइन लगे, सलाइन को देखकर छाती ऐसी गर्व से भर जाती है कि हम भी कुछ कम बीमार नहीं है। मनुष्य की एक तरफ इच्छा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, पर दूसरी तरफ दूसरी भी इच्छा है, प्रेम की प्यास है, एप्रिसिएशन की प्यास है, केयर करे मेरी कोई, अटेंशन दे मेरी तरफ, पूछे तुम कैसे हो, और जो कोई पूछता है तो अभी कल से थोड़ा ठीक है, ये बताने में इतना आनंद आता है, दर्द कैसा है, थोड़ा कम है, गहरे से गहरी प्यास है, प्रेम की प्यास, अटेंशन की प्यास, केयर की प्यास, सिंपथी की प्यास, कोऑपरेशन की प्यास, सब मुझे सहयोग दे, मैंने उनको सहयोग दिया था वो मुझे सहयोग दे, और जब वो नहीं देते तो दुख और पीड़ा होती है। एप्रिसिएशन, मेरी स्तुति करे, हमने अच्छी सेवा की, तुमने सेवा की, ऊपर अपने आप जमा हो गया है, किसी और के एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, जिसको देखना था उसने देख लिया। नो एप्रिसिएशन, स्तुति, हॉस्पिटैलिटी, हम कहीं जाए तो हमारा क्या हो, स्वागत हो, सत्कार हो, और किसी ने हमको पूछा नहीं तो दुखी हो जाते हैं, सूक्ष्म में दुखी हो जाते हैं। वस्तु, वस्तुए, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। स्थिति की कीमत है 1 करोड़, व्यक्ति की 1 लाख, सेवा 1000 और वस्तु 100।
सेवा नहीं हुई तो चलेगा, पर व्यक्ति टूट कर ना चले जाए, वो वापस नहीं आएगा। किसी भाई से, किसी माता से, किसी कुमार से कोई गलती हो गई और हमने उसे इतना डांटा, छोड़ के चला गया, व्यक्ति चला गया, पैसे वापस आ जाएंगे, वस्तुएं वापस आएगी, वो माता, वो कुमार, वो भाई, वो बहन वापस नहीं आएगी। रिलेशनशिप वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है, सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शांतिवन में एक भाई है जो अपना अनुभव सुनाता है, बहुत नया नया आया जब शांतिवन बना ही था सेवा के लिए, सबने सुना भी होगा, और किचन में सेवा थी, वो चीनी का बनाते हैं चाशनी, बहुत बड़े पतीले में वो रखा हुआ था। वो सुबह सुबह 3:30 बजे गया, उसको लगा पानी है और उसने उड़ेल दिया, और जब सबको पता चला कि इतना बड़ा नुकसान कर दिया इसने, ये नया नया आया है, अभी आया है, और वो खबर फैलते दादी तक पहुंच गई, और वो इतना डर गया उसने अपना पैकिंग करके रखा, अब चला जाऊंगा, मेरे वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। और फिर 9:30 बजे खबर आई कि दादी ने बुलाया है, तब तो एकदम फाइनल हो गया अब कि अब जाना है। डरते डरते गया कॉटेज में, दादी ने, बड़ी दादी थे, बिठाया, दादी ने कहा बैठो बैठो, तो दादी ने कहा नाश्ता किया है, तो उसने कहा हाँ किया है, दादी ने कहा टोली खाओगे, सब ठीक चल रहा है, उसने कहा ठीक, दादी ने कहा ठीक है जाओ, नथिंग, कुछ भी नहीं, ना कोई वर्णन, ना कोई प्रश्न, ना कोई डिस्कशन, कुछ भी नहीं। वो कहता है अगर मुझे उस दिन दादी ने डांट दिया होता तो मैं चला गया होता, मैं नहीं गया। अनंत करुणा, अनंत प्रेम, सब हमारे हैं अपने, इसके लिए वस्तु वो से व्यक्ति महत्वपूर्ण है। नुकसान हो गया चलेगा, कोई जानबूझकर तो नहीं करता है, पर रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस, और रिलेशनशिप से भी ऊपर है स्थिति, स्थिति टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सेवा कर रहे हैं परंतु स्थिति ही डिस्टर्ब्ड है तो क्या करेंगे। बाबा ने तो मुरलियों में कहा उसको छोड़ दो ऐसी सेवा। तो दूसरा प्रिंसिपल नियम है नो बेगिंग, किसी से हमें कुछ मांगना नहीं है, रादर ये सोचे कि मुझे ये देना है, केयर मांगनी नहीं है, केयर करनी है, प्रेम मांगना नहीं है, प्रेम देना है। प्रेम मांगने से मिलता है क्या? मुझे प्रेम करो कोई करेगा? तीसरा नो कंप्लेनिंग, ये जो मार्ग है लक्ष्य इतना ऊंचा है, यदि हमारा सारा जीवन कंप्लेंट में जाता रहे, कंप्लेंट में एक निगेटिव ऊर्जा है, और ग्रेटिट्यूड में, धन्यवाद में, अहोभाव में, कृतज्ञता में एक पॉजिटिव ऊर्जा है, जो मिला जितना मिला हम बहुत खुश हैं। अंग्रेजी में एक फिनोमिनन है साइकोलॉजी में, हिडोनिक ट्रेडमिल। उदाहरण, एक व्यक्ति गरीब है, वो सोचता है मुझे पैसे मिल जाए मैं अमीर बन जाऊं, मेरी सारे सारे दुखों का कारण पैसों की कमी है, एक दिन लॉटरी लग जाती है वो अमीर बन जाता है, खुशी आ जाती है। पर देखा गया कुछ समय के बाद खुशी का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे उतना ही हो जाता जो पहले था। अभी पैसे है परंतु खुशी उतनी है जितनी पहले थी। संसार का कुछ भी मिल जाए थोड़े समय तक उससे खुशी मिलती है, कुछ समय के बाद उसके रहते हुए भी स्थिति वैसी हो जाती है जो पहले थी। हेडोनिक ट्रेडमिल फिनोमिनन, संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही मिटाएगा। बाहर का सब कुछ मिल गया, इतना नाम, इतनी प्रशंसा, पद, पोजीशन, पोस्ट, चाहे अध्यात्म में या लौकिक में, बाहर का कुछ भी मिल जाए आत्मा बेचैन ही रहेगी, क्योंकि आत्मा अनंत है। इन्फिनिट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग विच इज फाइनाइट। जो फाइनाइट है, जो आदि अंत वाला है, जो हद है, वो बेहद को कभी भी तृप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि चेतना बेहद है, उसकी प्यास तो बस वही मिटा सकता है। इसलिए कहा इस भट्टी में लक्ष्य रखना है आत्मा को, प्रभु प्रेम से भर दो,
इतना भर दो, इतना भर दो कि देहधारियों में जो आसक्ति है, मोह है, वो सब टूट टूट कर गिर जाए। ओम शांति भवन के सामने पेड़ है, सुबह देखा कैसे सूखे पत्ते गिरे रहते, वैसी वासनाएं टूट कर गिर जाए, हमें निकालनी ना पड़े, हटानी ना पड़े, अपने आप गिर जाए, व्यर्थ हो जाए इच्छाएं। डिजायर फॉर फेम इज द ग्रेटेस्ट एनिमी इन स्पिरिचुअलिटी। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि नाम की इच्छा अध्यात्म में सबसे बड़ा शत्रु है। मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जाने, यह इच्छा ही योगी के पतन का कारण है। तो तीसरा, नो कंप्लेनिंग, जो है जो मिला इसमें तृप्त हूं। सोचते हैं यहां से कहीं और चला जाऊं तो वहां अच्छा होगा, यहां एक रावण है, वहां 10 रावण बैठे हुए हैं, यहां जो है कम से कम वो परिचित तो है, उसको जान तो लिया है इतने सालों से, वहां 10 नए रावण है अपरिचित, इसके लिए इच्छा कि स्थान बदल जाए, ये व्यक्ति बदल जाए, बाबा इसकी ट्रांसफर करो। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा अव्यक्त महावाक्य है बाबा की। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, तुमको बदलना है। तुम बदल जाओ या अपने आप बदलेगा, नहीं तो दुखी होते रहोगे। स्थान की वजह से दुखे, मुझे इस स्थान पर नहीं रहना है, ऑफिस में ये ऑफिस ठीक नहीं है, ये केंद्र ठीक नहीं है, ये घर ठीक नहीं, ये लोग ठीक नहीं, ये परिस्थितियां मुझे ही क्यों आती है, बाकी सब लोग बहुत खुश दिखते हैं, मेरे साथ ही क्यों, वाई मी। नो कंप्लेनिंग। चौथा, नो डिपेंडेंसी, किसी पर भी निर्भरता ना हो। मनुष्य का स्वभाव है वो निर्भर होना चाहता है दूसरों पर। फिजिकल डिपेंडेंसी भी ना हो, अकेले चलो। इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी भी ना हो, हमें कोई काम दिया गया, ये सेवा करनी है, ये आर्टिकल लिखो, हम कहते हैं हमारा चिंतन नहीं होता, तुरंत भागते हैं किसी के पास, तुम लिख कर दो। क्यों? भगवान ने दिव्य बुद्धि दी, अभी अभी संडे की मुरली, दिव्य बुद्धि तुम्हारा वरदान है, जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, जीवन परिवर्तन का आधार है, मर्दी और जन्म का आधार है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है तुमको, असंभव संभव करता है, सेवा में परमात्मा प्रेम की अनुभूति कराता है दिव्य बुद्धि, बुद्धि बल है दिव्य बुद्धि, वाहन है जो तीनों लोकों की सैर कराता है, माया को पराजित कराता है, इतनी सारी चीजें कर देता है, वो कहां गए? कोई इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी नहीं, इमोशनल डिपेंडेंसी। यहां तो आ गए हैं परंतु मम्मी की याद बीच बीच में आती रहती है, इमोशनली डिपेंडेंट है। जब तक किसी एक व्यक्ति से शेयर नहीं करते आज जो कुछ हुआ, बेचैनी रहती है। पर एक बात बड़ी सूक्ष्म है, यदि व्यक्तियों से शेयर करना लगोगे तो भगवान से शेयरिंग अपने आप कम हो जाएगी। हमारे जीवन में परिस्थिति आई, हम किसी के साथ बैठे और ढेर सारा उसको बताए, अब बाबा के कमरे में जाओ, क्या बताओगे? वापस रिपीट करोगे? अपने आप कम हो जाता है, फिर वही व्यक्ति जो सुन रहा है वो अच्छा लगने लगता है। इमोशनल डिपेंडेंस, इमोशनल स्लेवरी है रादर, वो गुलाम बन जाते हैं, वो चाहिए और उसकी हर चीज अच्छी लगने लगती है, उसके प्रति एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, मोह। और वो यदि भाई है और बहन है, बहन का बहन के प्रति और भाई का बहन के प्रति, तो वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप फिर वहीं नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती जाती है। इतिहास में एक वृत्तांत है, चंद्रगुप्त, उसे प्रेम हो गया है धनानंद की बेटी से, दुर्धरा। चाणक्य से कहता है, क्या स्त्री से प्रेम करना पाप है? चाणक्य कहता है, ना बिल्कुल नहीं। जो पदाती सैनिक है उसके लिए वो ठीक है, जो किसान है उसके लिए ठीक है, पर जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है उसके लिए वर्जित है, पाप है वो। जिसका लक्ष्य इतना ऊंचा है उसके लिए शरीर का आकर्षण सबसे बड़ा शत्रु है, उसके लिए कामुकता पाप है। जिसे इतने बड़े सम्राट बनना है विश्व का, उसके लिए ये सब नहीं है। कांटों की शैया पर हमारा जीवन, संसार के ये सारे तुच्छ सुख हमारे लिए नहीं है। हमारा तो लक्ष्य इतना ऊंचा है, संसार के लोग करे करने दो, उनके लिए ठीक है,
हमारे लिए नहीं, बाप बच्चों से भीख मांगते हैं पवित्र बनो, भगवान भीख मांगता है और फिर भी यह पवित्रता, ये विकार, ये वासनाएं, ये तृष्णाएं, जो जो हमारे मार्ग में आ रहा है उसको हटा दो, वो व्यक्ति हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो, फिर वस्तु हो। स्पिरिचुअल डिपेंडेंस, चौथे प्रकार की डिपेंडेंसी है स्पिरिचुअल निर्भरता। वो अमृत वेला करेंगे तो हम करेंगे, वो मुरली क्लास जाएंगे तो हम जाएंगे, कि उसी से जोड़ दिया है। कहते हैं ना, वो हम साथ में योग करते तो बाबा से अच्छा योग लगता है। योग उससे लगा रहे या बाबा को लगा रहे? फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, कुमार स्पेशली किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, भीख नहीं मांगनी है किसी से भी, कुछ नहीं मांगना है, नो डिपेंडेंसी। उसके बाद में अगला पांचवा, नो एक्सपेक्टेशन, किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करो, क्योंकि हर आत्मा किसी मुरली में था, हर आत्मा अपने ही दुख दर्द में इतनी डूबी हुई है, कहां तुम्हारी एक्सपेक्टेशन। सभी दुखों का यदि कोई कारण है वो अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा होती है। हम बीमार थे, वो बीमार था तो हम देखने गए, अब हम बीमार है, हमारी इच्छा होती है कि वो हमें देखने आए और वो नहीं आता है, तो क्या होता है फिर? दुख। नो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी, सारे एक्सपेक्टेशंस बाबा से, वो करेगा, जीवन उसको दिया है, उसे पता है मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, किस परिस्थिति में हूं, उसकी नजर मुझ पर है, उन दो आंखों के पीछे वो परमात्मा बैठा है, वो देख रहा है वहां से, हम यहां है और ये बाबा है, ये दो आंखें हैं ब्रह्मा की। हम सोच रहे हैं कि मेरी बुद्धि एकाग्र नहीं है, पर वो तो एकाग्रता का सागर है। मैं सोचता हूं कि मैं अब पवित्र नहीं हूं, परंतु वो तो प्यूरिटी का सागर है, उसकी अविरल धाराएं बह रही है। मैं शक्तिहीन हूं, परंतु वो तो शक्तिशाली, शक्ति का सागर है। तो किसी से क्या एक्सपेक्ट करें? और मनुष्य कुछ कर भी दे हमारे लिए तो क्या हम खुश होंगे? कभी नहीं हो सकते। कितना भी कोई कर दे, कोई कहे कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, बस तुम चलो, ठीक है, सहयोग दे रहे, अच्छी बात है, पर हम एडिक्ट ना हो जाए व्यक्तियों की, उनके मदद की। अगला, थकना नहीं है इस मार्ग में। बस ये जो मार्ग है इसमें थकावट होती है, और थकावट एक बेहोशी की निशानी है। सेवा हो करके, सेवा करते करते कभी कोई नहीं थकता है, सुबह से लेकर रात तक सेवा कराओ, उस सेवा नहीं थकाती है, व्यर्थ विचार थकाते हैं संकल्प। जो एक्सपेक्टेशंस उत्पन्न होती है सेवाओं में, जो नाम की कामना उत्पन्न होती है वो थकाती है हमको। संस्कारों का टकराव होता है सेवाओं में, मैं का टकराव होता है, हमारी सेवाएं मैं का विस्तार ना हो, हमारी सेवाएं मैं का, मैं की सजावट ना हो। ऊपर से नाम तो सेवा का रखा है, परंतु इच्छा है मैं की, व्याकरण में गलती है, संज्ञा ही गलत है, मैं कुछ कर रहा हूं, प्रश्न है क्या वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं? संगम युग पर जो कुछ हो रहा है परमात्मा शक्तियों के द्वारा हो रहा है, हमें उसने निमित्त बनाया, ये भाग्य है। बस वो चाहे तो किसी और को बना सकता था। मोहम्मद रफी के लिए कहते हैं, वो कहते थे मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है, ये आवाज उस खुदा ने इस हलक में भरी है, ये उसकी बड़ाई है, मेरी नहीं है, किसी और में भी डाल सकता था वो ये आवाज। विदेश की एक बहन उस दिन बता रहे थे कि हम सब नल है, बाबा वो टंकी है, उसका पानी इस नल से आ रहा है, तो महानता नल की नहीं है, उस टंकी की है, उस टंकी ने इस नल को चुना है, वो चाहता तो किसी और नल को भी चुन सकता था, इसलिए हमारी कौन सी महानता। ये तो भाग्य है कि हमें अवसर मिला है अपना भाग्य बनाने के लिए। वो चाहे तो किसी की भी बुद्धि को टच करा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसने हमें चुना है। वी आर गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन सोल्स, उसने सिलेक्ट किया है, उसने इलेक्ट किया है, उसने चूज किया है संसार की इस भीड़ से हमको, ये हमारा भाग्य है। और हम कहे कि ये मैं कर रहा हूं,
एक बैलगाड़ी है वो जा रही है, और जब भी वो बैलगाड़ी जाती है एक कुत्ता पीछे आ जाता है नीचे, और वो भी साथ साथ चलने लगता है, साथ साथ चलने लगता है रोज। और धीरे धीरे वो सोचता है ये मैं उठा रहा हूं, अगर मैं हट जाऊं तो शायद ये गिर जाए पूरा। वो क्या सोच रहा है, मैं। एक चिपकली जा रही है छत पर जाके रोज, और सोचती है मैं अगर हट जाऊं तो ये छत गिर जाएगा, मेरी वजह से मैंने थमा के रखा है इसको। हम ये कहे कि ये मैंने की सेवा तो क्या कहेंगे इसको, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। यहां हम आए कि हम अपनी इच्छा से आए, उसने लाया वो है वो समर्पण भाव, हम कुछ है ही नहीं। जो सेवाएं हमसे हुई है, काल्पनिक उदाहरण सूरज भाई जी कई बार देते हैं, बहन एक बाबा के पास गई, बाबा कहते बताओ बहन क्या किया आपने, वो कहती है बाबा ने पूछा इसलिए, नहीं तो नहीं बताने वाली थी। बहन जी कहते हैं कि बाबा इतने सेंटर ये सब हुआ, इतने कोर्स, इतनी कुमारियां कन्याएं ये सब, कुमार और क्या किया, इतने कोर्स इतने प्रोग्राम और ये सब किया, और क्या किया, विदेश देश विदेश की यात्राएं की, वहां सेवा की, सब कुछ सफल किया। और वो सब होने के बाद बाबा कहते हैं बच्ची ये सब तो मैं कर रहा था, तुमने क्या किया, ये सब मैं कर रहा था तुमने क्या किया, हम कुछ कर रहे हैं। वो चाहे तो जो शक्ति उसने हम में भरी है वो वापस ले ले, हम गिर जाएंगे नीचे। इसलिए सेवाओं का जो भी विस्तार हो एक बात भूलनी नहीं है, तपस्या का भी विस्तार हो भूलना नहीं है। जगदीश भाई थी कहते बाबा को साष्टांग दंडवत, शिव बाबा को, क्या हूं मैं, कुछ भी नहीं, यू नॉट मी, तुम मैं नहीं। थकना नहीं है, गिरोगे फिर खड़े हो जाओ, जितनी बार गिरोगे फिर खड़े हो जाओ। उस विकार में जाने से तो छोड़ने से ये अच्छा है फिर से खड़ा, कम से कम वो विष तो नहीं पी रहे, अमृत नहीं मिल रहा है मतलब विष पिए, माना अमृत बहुत महंगा है मिलता नहीं है अतिंद्रिय सुख इतना जल्दी, तो इसका मतलब कि आज जाके विष पिए, नो, फिर उठो। अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फेलिंग और फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। कभी हार हो ही ना, ऐसा हो नहीं सकता है, हारोगे पर फिर खड़े हो जाओ, पराजित हो पराजय होगी फिर खड़े हो जाओ। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मुझे गहरे जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, अतिंद्रिय सुख कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था ना, लास्ट संडे के लास्ट संडे, जबरदस्ती बैठो, नियम को फॉलो करते रहो, तोड़ो नहीं, बस छूट नहीं जाओ कि मेरे से होता नहीं है, क्योंकि कई आत्माओं ने पुरुषार्थ का मार्ग छोड़ दिया है। जिसको बाप समान बनना है बने, हम देखेंगे बाद में। एक भाई कहता था हंसी में, मुझे ये सब नहीं करना है ये पुरुषार्थों के, मैंने अपना पद फिक्स कर लिया, जैसे लक्ष्मी नारायण उधर से आएंगे तो मैं कहूंगा सुनो 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 लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, वो गए शांति से बैठो, ये क्या करना है पद वगैरह, ये ठीक है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, पराजय नहीं परंतु छोटा लक्ष्य रखना ही अपराध है। लक्ष्य कैसा हो, बहुत ऊंचा बहुत महान, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी ऊंचा लक्ष्य रखना, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना। हमें याद है, हम हमेशा बताते हैं, हम जिस मेडिकल कॉलेज में थे वहां पे जो हमारा फर्स्ट डे था MBBS कॉलेज का, और उसी दिन उस कॉलेज को जो डीन थे उनका अंतिम दिन था, उनका फेयरवेल स्पीच था, डॉक्टर रायचित, वो कहने लगे जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में आया था 1960s में एज अ स्टूडेंट, रैगिंग का डर और वो सबके साथ मैं इस कैंपस में प्रवेश किया था, और जैसे ही कैंपस में प्रवेश किया मैंने संकल्प कर लिया कि इस एक दिन इसी कॉलेज का मैं डीन बनूंगा। अभी फर्स्ट डे है कॉलेज का, डर है, इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, एक दिन। और उन्होंने कहा कि मैं इस स्वप्न को रोज देखता रहा, जैसे वो स्वप्न मेरे सामने चित्र के रूप में आता था, मैं उसमें रंग भरता था, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन,
और धीरे धीरे एक दिन बन गया। लक्ष्य को देखते रहना है, अपने आप बन जाएंगे जो। उसी तरह जॉर्ज वॉशिंगटन, छोटा सा बच्चा है वो, पैसे नहीं है उसके पास स्कूल में जाने के लिए। उसका काम क्या है, स्कूल में दो क्लासेस के बीच में घंटी बजाता था, पर मन ही मन रिपीट करता था, आई जॉर्ज वॉशिंगटन वुड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे, मैं जॉर्ज वॉशिंगटन एक दिन अमेरिका प्रेसिडेंट बनूंगा बनूंगा बनूंगा। वो पढ़ाई भी नहीं की है उसने, बस एक लक्ष्य रखा और रोज उस लक्ष्य को देखते रहो और उसमें रंग भरते रहो। लाइव देखो उसको, जैसे अग्नि के शब्दों में आकाश में लिखा है वो, मैं वो हूं। एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो छोटा सा बच्चा, इतना गरीब, पैसे नहीं है जिसके पास, वो बन गया। कैसे? ऊंचा लक्ष्य, नॉट फेलियर, लो एम इज क्राइम, तो थकना नहीं है। उसके बाद में इस मार्ग में नो ब्लेम गेम, तुम्हें जो मिल रहा है हमारे अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है। इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से वैसा हुआ, किसी के वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ अब तक हुआ, हमारे मन में एक कहीं ना कहीं है कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, उसने वैसा किया इसलिए वैसा हुआ। किसी ने कुछ भी नहीं किया है, वही होना था और बहुत अच्छा हुआ। इसलिए पास्ट के प्रति दुखी नहीं, इस भट्टी का लक्ष्य रखो कि अब तक जो जीवन में हुआ है, अमृत वेला कल सुबह, पिछले 6 मास में जो कुछ हुआ उसको आंखों के सामने साक्षी होकर देखो। इन्वॉल्व नहीं होना है उसमें, दूर से देखना है बस, एक ये घटना ये घटना ये घटना, क्योंकि उसका अभी भी वो जो प्रभाव है, अभी भी वो याद आती है तो हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो 5 मास पहले थी। रोज देखते रहेंगे उसको तो उसका प्रभाव कम होते जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। साक्षी, साक्षी की साधना। ब्लेम गेम ने उनको जो करना था कर दिया, उनको दोष देकर क्या फायदा। और लास्ट 8वां, इस मार्ग में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और विघ्न तो बहुत आएंगे, तो ऐसी 8 बातें हैं। और जो हमने कहा था कि विघ्न भी आएंगे मार्ग में, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी पैर फिसलेगा, कभी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बाबा कहते हैं मुरली में फागी, ये फागी युक्त मार्ग है, कभी कभी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कभी कभी गड्ढा है कहीं, कभी कोई गलती हो जाए, विकर्म हो जाए। माना जो कुछ भी अब तक हुआ, ओके, गलतियां हुई सब हुआ, अब नहीं। 21 जनवरी 1969, अव्यक्तवाणी, फर्स्ट अव्यक्तवाणी, समय पर ज्ञान। अब तक ज्ञान तुमने बहुत सुना, समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है, यह है परिभाषा। और ज्ञान को इमर्ज रखने के लिए निरंतर चिंतन की धारा बहती रहे, मुरली, मंथन, मनन, मौन, तो बहुत सारे विघ्न आएंगे। और जब विघ्न आए तो समझना ये सब किस लिए आए, हमें मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। इस संसार में, इस इतिहास में भारत के जितने सम्राट बने, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके पृथ्वीराज चौहान, सब, उन सब की जीवन कहानियां पढ़ो, संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। हमारी सारी दादियों की, सबकी जीवन कहानियां पढ़ो, संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष। इतनी पावरफुल स्थिति ऐसे ही नहीं बनती है। किसी ने एक चित्र भेजा था, एक हिरन है जिसको एक तीर लगा और गिरा पड़ा है, वही हिरन अब दूसरा चित्र तीरों से छिदा हुआ है और खड़ा हुआ है। यह है योगी की अवस्था। सारा संसार कुछ भी करे, कितने भी दुख दे दर्द दे, परंतु फिर भी अड़िग खड़े हुए, वो योगी की स्थिति, अस्तित्व प्रज्ञ योगी। पवित्रता की सबसे बड़ी परिभाषा ब्रह्मचर्य नहीं है। इंद्रियों का नियम कर लिया, संयम कर लिया, वो भी पवित्रता नहीं है। पवित्रता अर्थात समता, इक्वानिमिटी इज प्यूरिटी, इक्वानिमिटी स्थिर है योगी। जो कुछ हो रहा है, हार जीत, जय पराजय, हानि लाभ, इन सब में स्थिर रहना। तो जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा रखना है, ध्येय इतना, और उस ध्येय को रोज अमृत वेला देखते रहना कि मुझे ये बनना है और मैं उस ध्येय की तरफ चल रहा हूं, दिव्य ध्येय की ओर मुझे बढ़ना है। बाधाएं, परीक्षाएं, पेपर्स, विघ्न, परिस्थितियां, अपमान, डिसेप्शंस, चीटिंग, सब कुछ होगा, पर ये सब होते हुए मुझे आगे बढ़ते जाना है। तो इस भट्टी में
जो हमने कहा आपकी रियल भट्टी कब चालू होगी, 27 तारीख को, 21 दिन की भट्टी करनी है। टॉपिक अपना आप, किसी से शेयर नहीं करना, एकदम गुप्त। जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है उसको मुझे हराना है, उस पर काम करना है। और यहां जब तक है एक एक रात और एक एक दिन क्रांति की रात और क्रांति का दिन हो जाए। इसलिए जितना हो सके मौन, भीतर स्थिर और अपने आप से बातें। तो अभी हम कुछ समय शक्तिशाली योग की अवस्था में बैठेंगे। अगले 20 मिनट के लिए स्थिर बैठना है, हिलना नहीं है। शरीर हिलता है तो मन हिलता है। मन शांत, बुद्धि स्थिर, कुछ समय के लिए सभी आंखें बंद करेंगे। अपने मन को पूरे शरीर में घुमाएंगे, सिर के सिरे की ओर, चेहरे की ओर। कौन सी संवेदनाएं हैं, कौन से प्रकंपन है, तनाव है चेहरे पर, रिलैक्स। रिलैक्स, मन को पूरे शरीर से घुमाएंगे, ऊपर से नीचे तक। शरीर में जो हलचल है, जो उद्वेग है, साक्षी होकर उसे देखेंगे। कहीं कंपन है, कहीं धूजन, कहीं दर्द है, कहीं खुजली, कहीं तनाव, कहीं खिंचाव। शरीर शांत और शीतल, शिथिल। धड़कनों को सुनेंगे, जीवन प्रवाह जो शरीर में बह रहा है। स्थूल देह में विराजमान मैं एक चैतन्य ज्योति हूं। देह के भव्य भाल पर विराजमान एक चमकता सितारा अनुभव। शरीर की इस हलचल से परे अचल मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं। देह को यहीं छोड़ मैं आत्मा आकाश की ओर जा रही हूं। इस संसार से परे, तत्वों से पार, अंतरिक्ष से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन में हूं,
सभी आंखें खोलकर अपने सम्मुख अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे। बाप दादा की दृष्टि से अनंत शक्तियों की धाराएं मुझ आत्मा में आ रही, अपलक एकाग्र बाबा बाप दादा का वरदानी हाथ सिर पर है। विजयी भवा, सफलता मूर्त भवा, निर्विघ्न भवा। मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूँ, अब पहुंच जाएंगे अपने लौकिक घर, सेवा केंद्र, ऑफिस द्वार से प्रवेश, एक एक दीवार पवित्रता की किरणों से भर देंगे। वहां रहने वाली आत्माओं को प्रभु प्रेम की सकाश, परमात्मा शक्तियों का उनके ऊपर जैसे वर्षा, किचन सभी बर्तन, कमरे सभी कपड़े, सभी वस्तुओं को पवित्रता से भर देंगे। अलौकिक दिव्य वातावरण, मधुबन के चार धाम से ली हुई खुशबू बिखेरेंगे। यहां आकर जैसे मन शांत हो गया है, यहां रहने वाली सभी आत्माओं का मन ऐसे ही शांत हो जाए। सेवा केंद्र का वायुमंडल अत्यंत अलौकिक, जो आत्मा यहां आएगी उसे आते ही प्रभु प्रेम का अनुभव होगा। ये संकल्प दरवाजे या सेवा केंद्र का जो द्वार है, वहां एक अदृश्य शक्तिशाली
एक प्रभु प्रेम की किरणों का पर्दा लगा देंगे। जो भी आत्मा यहां प्रवेश करेगी शांत हो जाएगी। जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहां की सभी आत्माएं परमात्मा प्रेम से सराबोर हो रही है। जिस रास्ते से हम रोज जाते हैं वो सड़क वो ट्रैफिक हमारे वहां पहुंचने मात्र से रोज शुद्ध हो रहे हैं, सारे तत्व शुद्ध हो रहे हैं। वापस मधुबन पहुंच जाएंगे बाबा की कुटिया में। वो सारे प्रकंपन अपने भीतर संभालो, उदास हो जाओ तो रूरियान करने कुटिया में आ जाना। बाबा के कमरे में बाप समान बनने की प्रेरणा है। हिस्ट्री हॉल सभी पूर्वजों का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। शांति स्तंभ की परिक्रमा शक्ति का अनुभव। मधुबन के आंगन में मैं फरिश्ता देख रहा हूं देव कुल की महान आत्माओं को। उसी दृष्टि से जिस दृष्टि से बाबा देखते हैं अत्यंत हल्कापन। अभी सभी जहां बैठे हैं वहीं पर आप अपने स्थान पर बिना कोई आवाज किए खड़े हो जाएंगे। भाई भाइयों की तरफ एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे हमारी तरफ देखते हुए, हमारी तरफ देखते हुए एक लाइन में हाथ पकड़ना है। एक हाथ से एक भाई, दूसरे हाथ से दूसरे भाई का हाथ, ऐसे आंखें बंद, आंखें बंद। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मेरे दोनों हाथों से इन दो आत्माओं को पवित्रता की किरणें जा रही है। आंखें बंद, पूरे शरीर में पवित्रता के प्रकंपन, अंग अंग में प्यूरिटी अनुभव। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए इन दो आत्माओं से पवित्रता की करंट मुझ में आ रही है। अनुभव, मैं बाल ब्रह्मचारी आत्मा हूं, बाल ब्रह्मचारिणी हूं, शिव की जो शक्ति है मैं हूं,
शिव की अर्धांगिनी हूं, परम धाम से पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ रहा है, अंग अंग में प्यूरिटी, सारे हॉल में प्यूरिटी के दिव्य प्रकंपन है। पवित्रता का एक वर्तुल पवित्रता की बाढ़ आई है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मन में पवित्रता, बुद्धि में पवित्रता, भाव में, भावनाओं में, दृष्टि में, वृत्ति में, स्वप्न में, संकल्प में, कर्म में, धन में, संस्कारों में, लिखने में, बोलने में, देखने में, स्पर्श में, पवित्रता ही पवित्रता। मन की सभी वासनाएं नष्ट हो रही है, सभी अब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा को देखते रहेंगे, बाबा ब्राह्मणों की इस सभा में, मधुबन के इस तट में, हरि के इस द्वार पर मैं आत्मा, अखंड ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा करती हूं। कुछ भी हो जाए, इस व्रत को, इस भीष्म प्रतिज्ञा को मैं टूटने नहीं दूंगी। परमात्म दृष्टि और पवित्रता की प्रतिज्ञा का मिलन बाबा,
आंतरिक मन।